वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट को रजू करने का फैसला किया। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया। शहबाज शरीफ इस फ्रॉड में मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इकदाम करें, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिसक्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है। वफाकी काबीना का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल को कानूनी ऑपरेशंस पर गौर और अदालत से रजू करने के लिए हिदायत जारी। सान हैमरी की तफसीलात भी तहकीकात से कराई जाएंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इस्लामाबाद में 400 कनाल पर हाउसिंग सोसाइटी कायम होगी। काबीना की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की भी मंजूरी। कहते हैं हम एशियन टाइगर बना देंगे, कोई कहता है लाहौर को पैरस। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, कानून के नीचे नहीं आना चाहते। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की, मुश्किल जंग है। कानून की बालादस्ती और करप्शन के खात्मे की जंग लड़ रहे हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा करप्शन की वजह से ताखीर का शिकार हुआ, हमने इसे दुरुस्त किया। बाज लोगों को नवाजने के लिए मंसूबे की अलाइनमेंट तब्दील की गई। सनतें लगाने के लिए सरकारी अराजी लीज पर देंगे। वजीर आजम इमरान खान का इंटरनेशनल चैम्बर समिट से खिताब। इदारों को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। स्टेट बैंक से हुकूमती कंट्रोल खत्म होने का तासुर दुरुस्त नहीं। ज़मीनी मालियाती बिल से आम आदमी पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। दस्तावेजी मईशत की कोशिशों से पीछे नहीं हट सकते। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और वफाकी वज़रा की सीनियर सहाफियों एंकर पसंद से गुफ्तगु। कौमी असेंबली में ज़मीनी मालियाती बिल पर बहस, अपोजिशन अरकान की तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की इक्तिसादी तरक्की के लिए मिसाक मईशत की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में 4 बार IMF से मुआयदा किया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में करप्शन के अलावा कुछ नहीं था। हुकूमत की मुअसर पॉलिसियों से बरामदात में 28% इजाफा हुआ है। किसान दोस्त पॉलिसी से अहम अजनास की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वजीर मनसूबा बंदी असद उमर। दयामर भाषा डैम की तामीर की जानिब अहम पेशरफ। थोर और हरमन कबाइल के दरमियान हुदूद का देरीना मसला हल हो गया। चिलास में ग्रैंड जरगे का इनेकाद, मुतासरीन में जर तलाफी के तौर पर 40 करोड़ रुपए तकसीम। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हुदूद का तनाजा खत्म होना दयामर भाषा डैम की बरवक तामीर के लिए अहम है। वजीर आजम इमरान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सलामती का जायजा। कोर कमांडर्स का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ का उभरते खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए खसूसी तरबियत पर जोर। बलोचिस्तान वार मरी में रिलीफ सरगर्मियों की तारीफ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की स्पेन के वजीर खारजा से मैड्रिड में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों का तजारती और इक्तसादी तआवुन मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। यूरोपीय यूनियन अफगान आवाम को इंसानी अलमिये से बचाने के लिए मौसर किरदार अदा करे। शाह महमूद कुरैशी। अक्वामे मुत्तहिदा की अफगानिस्तान के लिए फौरी $5 अरब की अपील। अफगान आवाम भूख और अफलास के दहाने पर है। आलमी इदारे का इंतबाह। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के लिए $30 करोड़ 80 लाख का ऐलान। USAID के तहत ये रकम सेहत और खुराक के शोबों पर खर्च होगी। भारतीय मजालिम के शिकार निहत्ते कश्मीरी आलमी तवज्जो के मुंतजर। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां और बिगड़ती सूरत हाल, फौरी मदाखलत की मुतकाजी, फिरका वाराना तासुब और मावराए अदालत कत्ल के वाकयात मामूल बन गए। कश्मीरी शहदा के खून को फरामोश नहीं करेंगे। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना होगा। नजरबंद हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह का पैगाम।
आइंदा 8 हफ्ते में यूरोप की निस्फ आबादी कोरोना की जद में आने का खदशा, आलमी इदारा सेहत का इंतबाह। चीन के सूबे हनान के शहर एनयोंग में लॉकडाउन, 50 लाख की आबादी के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। जापान और भारत में भी नई पाबंदियां आयद, मुतहदा अरब अमारात में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जेल भेजने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना के 1467 नए केसेज रिपोर्ट, मुस्बत केसेज की शरह 3.33% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मारगला नेशनल पार्क में कायम मोनाल रेस्टोरेंट सील करने का हुक्म, CDA को नेवी गोल्फ कोर्स तहवील में लेने की हिदायत। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की निशानदही जल्द मुकम्मल की जाए, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाई रहेगी। कलाम में दर्जा हरारत -14, इस्तौर -12, मलम जब्बा -5°C रिकॉर्ड किया गया। रावलाकोट और हुंजा में पारा -4 और मरी में -2 दर्जे गिर गया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के पहले मरहले के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार, एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकटें खरीदी जा सकती हैं। मेगा इवेंट का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। और कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव और लाहौर कलंदर्स का सियालकोट में टैलेंट हंट, नौजवान खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत, ट्रायल्स पूरे मुल्क में होंगे, मुआविने खुसूसी उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद, मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल, और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें, आपको बताएं वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बयान हल्फी देने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे गौर आए, इजलास को बताया गया कि सानहा मरी पर आला सतह तहकीकती कमेटी कायम कर दी गई है, मरी में इंतजाम बेहतर बनाने के लिए नए कवानीन बनाए जाएंगे। मजीद तफसील बता रहे हैं इकरामुल्ला महसूद। वफाकी काबीना के इजलास में सानहा मरी में जहाँ बहक होने वालों के लिए फातिहानी की गई और लवाहकीन के साथ यकजहती का इजहार किया गया। काबीना को वजारत दाखला की जानिब से मरी सानहा पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने इस हवाले से तफसीली इंक्वायरी कराने का फैसला करते हुए हिदायत दी कि मकामी इंतजामिया की तंजीमों और सयाहों के रश के हवाले से सिफारिशात मुरतब की जाए। 5 दिनों में 1,64,000 के करीब गाड़ियां जो हैं वो मरी में गईं, 5 गाड़ियां जो हैं उनमें उनके साथ ये वाकयात हुए हैं जिसमें तकरीबन 22 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए। बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए। जो तमाम अमवात हुई हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं। क्या ये मामला प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था, उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने काबीना को बताया कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतिखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुहैया करेगी ताकि इंतिखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। काबीना ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स प्रोग्राम के जरिए CDA के पार्क रोड Zone 4 इस्लामाबाद में रिहायशी मनसूबा शुरू करने की मंजूरी दी। 400 केनाल पर मोहित अराजी पर 6,000 घर बनाए जाएंगे। मनसूबे से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क में सरमायाकारी का मौका मिलेगा। तवक्को है कि इस मंसूबे से $2 अरब की सरमायाकारी आएगी। काबीना फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए और वापस नहीं आए। शख्सी जमानत देने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेगी। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था, अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके
दो बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें, या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इकदाम करें और लेकर आएँ, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काबीना को बताया गया कि मुल्क में वबा की शरह दुगनी हो गई है, सूरत हाल की निगरानी की जा रही है, ताहम इस बार लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। इकरामुल्ला महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी सियासी जिदोजहद का महवर करप्शन का खात्मा है, बदउनवानी के खिलाफ जंग में पूरे मुआशरे की अहम जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल चैम्बर्स समिट से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि माफियाज नहीं चाहते कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की, वो मुश्किल जंग है। सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़नी, ये आप सब ने लड़नी है जंग। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज सुबह उठता हूँ, मैं तो जहाद समझता हूँ इसको, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है कि एक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, ये ताकत की हुक्मरानी चाहते हैं वो लोग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई की आलमी लहर के बायस पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हुआ। उन्होंने कहा कि आवाम को महंगाई से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी के बायस बड़े पैमाने की सनअतों की शरह तरक्की 15% रिकॉर्ड की गई, जबकि आईटी बरामदात 70% इजाफे के साथ 3.5 अरब की सतह पर हैं। हमारी अब पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किस्म की मदद की जाए एक्सपोर्टर की, जिसकी वजह से अभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। बिजनेस प्रॉफिट्स पूरे बनाएं और फिर बिजनेसेस टैक्स दें ताकि हमारे पास पैसा आए कि हम और खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि आपके लिए बेहतरी हो, बिजनेस के लिए आपकी आसानियां हो, और फिर दूसरा निचले तबके को ऊपर उठाए। तकरीब से ऐवान संतो तजारत रावलपिंडी के सदर और दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंडस्ट्रीज का जाल फैलाकर मुईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है ना, दैट्स अ लॉन्ग टर्म विजन। टैक्स कल्चर जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हमें उस टैक्स का रिजल्ट नजर आना शुरू होगा, जिसकी वजह से वो एक इकोसिस्टम आएगा। बिजनेस कम्युनिटी को जिस तरह एतमाद दिलाया, प्रॉफिट भी कमाएं और आप टैक्स भी पे करें। टैक्स देंगे तो हमारे मुल्क चलेंगे। मौजूदा टाइम पर जो कंस्ट्रक्शन को प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दी हुई है, इंशाल्लाह इससे बहुत मुल्क को फायदा होगा। इस तरह के इवेंट्स और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली दे आर द सोर्स के जहां से यू नो बिजनेस एक्सेलरेट हो। मुकर्ररीन ने तजवीज दी कि रावलपिंडी रिंग रोड के साथ इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड हुकूमत का फलाही रियासत की जानिब अहम कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंसेप्ट के तहत हुकूमत कारोबारी तबके के लिए आसानियां पैदा कर रही है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने की कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन, हम्माद अजहर, वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमराह सीनियर एंकर पर्सन्स और सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत हर इदारे को खुद मुख्तार बनाना चाहती है और इस हिकमत अमली के तहत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। स्टेट बैंक पर हुकूमती कंट्रोल के खात्मे का तासर दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल का बुनियादी मकसद मईशत को दस्तावेजी बनाना और टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा है। ज़िमनी मालियाती बिल से आम आदमी पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाखिर ने कहा कि शरह सूद का तायुन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी करती है। पहली मरतबा एक्सचेंज रेट को मार्केट की हरकियात के मुताबिक किया गया, जिसके मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि गैस की तलब में सालाना 9% इजाफा हो रहा है। पहली मरतबा नवंबर में खाद के प्लांट्स बंद नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अनकरीब गैस की औसत कीमत के हवाले से कानून साजी करेगी, ताहम मौजूदा स्लैब्स बरकरार रहेंगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि सेहत कार्ड पाकिस्तान में सेहत के शोबे में खामोश इनकलाब ला रहा है। ये मुल्क के गरीब और कम आमदनी वाले तबकात के लिए सेहत की इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मनसूबा है, जिसमें तमाम खानदानों को तहफ्फुज़ दिया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखना चाहिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कौमी असेंबली में ज़िमनी मालियाती बिल पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी तरक्की 5% तक ले जाने के लिए कोशां हैं। हमारे दौरे हुकूमत में बरामदात में 28% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मौसर इकदाम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। कोविड के साल के अंदर जैसे मैंने कहा, जिस वक्त दुनिया में तमाम मईशतें लेटी हुई थी, उस साल पाकिस्तान की मईशत ने जो ज़िमनी अंदाज़ा लगाया गया, जो उस वक्त
जो मार्च के महीने के अदाद व शुमार पे था, तो 4% इजाफा हुआ हमारी मईशत में। आपको खुशी होगी कि जो उसके बाद आखिरी सहमाई आई उसमें हमारी बड़ी सनतों की रफ्तार जो है वो 12 से 13% थी, और इंशाल्लाह ताला जनवरी के महीने में जब हम आपको पिछले साल की फाइनल फिगर्स आपको देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पिछले साल की जो हमारी ग्रोथ थी इकोनॉमी की वो 4% नहीं, वो 5% के करीब हुई। और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से इस साल जो है 4.8% हदफ है, लेकिन पहला जो 6 माह गुजरे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर अब नजर आता है इंशाल्लाह ताला ये 5% या उससे ज्यादा मईशत की ग्रोथ इस साल दोबारा होने वाली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ज़िमनी मालियाती बिल में गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डाले। उन्होंने कहा कि हुकूमत अद्वियात, बच्चों के दूध और ज़रई आलात समेत ज़रूरी अशिया पर टैक्स कम करे। उन्होंने कहा कि मईशत के शोबे में हुकूमत को मिलकर काम करने का कहा था ताकि मुल्की मईशत को दवाम हासिल हो। अपोजिशन अरकान ने ज़िमनी बिल पर तनकीद की जबकि हुकूमती अरकान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। ज़िमनी मालियाती बिल पर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात ऐवान में पेश कर दी गई हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजर अब्बास। इजलास डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की सदारत में शुरू हुआ। ऐवान में सेनेटर तला महमूद ने कायमा कमेटी बराए खजाना और रेवेन्यू की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कमेटी मेंबरान ने बड़ी मेहनत से बिल पर सिफारिशात मुरतब की हैं। सानेह मरी पर बहस में हिस्सा लेते हुए कायदे ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि मरी के सानेह पर पूरी कौम अफसुदा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर वजीर आला पंजाब ने सानेहे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है जो जिम्मेदारान का तायुन करेगी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस सानेहे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम हकायक जान सके। अपोजिशन अरकान सेनेट ने कहा कि सानेह मरी पर पूरी कौम अफसुरदा है, हुकूमत इस हवाले से जिम्मेदारान का तायुन करके उन्हें सजा दे। वक्फा सवालात में हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि PIA में जाली दस्तावेजात पर 819 अफराद को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया है और 1000 घोष्ट मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। माजी में PIA में लोगों की जाली डिग्रियों पर भर्तियां की गईं। 50 पायलट्स जाली लाइसेंस के बायस बरतरफ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए नए रूट्स शुरू कर रहे हैं और यूरोप के लिए नई फ्लाइट्स शुरू करने जा रहे हैं। सियाहत के फरोग के लिए भी नई परवाजें शुरू की गई हैं। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल मुल्क भर में खसूसन बलोचिस्तान के तलबा को तालीमी वजायफ दे रहा है। हुकूमत के बेहतरीन इकदाम की बदौलत पिछले 2 सालों में तलबा को एहसास प्रोग्राम के जरिए वजायफ दिए गए हैं, मेरिट की बुनियाद पर वजायफ दिए जा रहे हैं। इजलास में सेनेटर कामिल अली आगा के भाई के इंतकाल पर इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। सेनेट इजलास जुम्मा सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद मजर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि ग्रैंड जिरगा ने थोर और हरबन कबाइल के दरमियान हदूद का दरीना मसला हल कर लिया है। चेयरमैन मापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन की मौजूदगी में ग्रैंड जिरगे ने मुनक्किदा तकरीब में तवील अरसे से जारी मसले का मुस्तकिल हल निकाला। चिल्ला से PTV के नुमाइंदे के मुताबिक थोर और हरबन कबाइल के दरमियान हदूद का दरीना तनाज़ा हल हो गया है। द्यामर भाषा डैम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए यह इंतहाई अहम पेशरफ्त है। दोनों कबाइल के दरमियान तनाज़े के हल की वजह से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान हदबंदी का मसला हल करने में भी मदद मिलेगी। ग्रैंड जिरगा के फैसलों की रोशनी में चेयरमैन वाबडा, कमांडर FCNA और ग्रैंड जिरगे के अरकान ने तकरीब में दोनों कबाइल के दरमियान 2014 के तसादुम के मुतासरीन को जर तलाफी के तौर पर 40 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन वाबडा ने थोर और हरबन कबाइल के दरमियान हदूद का पेचीदा तनाजा हल करने पर ग्रैंड जिरगे का शुक्रिया अदा किया। उधर वजीर आजम इमरान खान ने थोर और हरबन कबाइल के दरमियान 1 दहाई पुराने तनाजे के हल को द्यामर भाषा डैम मनसूबे के हवाले से तारीखी पेशरफ्त और खुशाइन करार दिया है। अपने एक ट्वीट में वजीर आजम ने लिखा है कि द्यामर और अपर कोहिस्तान के अमायदीन के ग्रैंड जिरगा ने देरीना मसला हल कर लिया है। उन्होंने कहा कि तनाजे के हल से द्यामर भाषा डैम की बरवक्त तामीर की राह हमवार होगी। वजीर आजम ने कहा है कि तनाजा खत्म होने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हदूद का मामला भी हल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सूरतहाल, बिलखसूस बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सलामती का तफसीली जायजा लिया गया।
अस्करी क्यादत ने जारी ऑपरेशन रद्द अल-फसाद में हासिल की गई कामयाबियों का तफसीली जायजा लिया और उन्हें सराहा। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और मरी में मुतासर अफराद की मदद में मसरूफ फार्मेशन की रिलीफ कार्रवाइयों की तारीफ की। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आर्मी चीफ ने उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में नबर्द आजमा होने के लिए मकासद के हुसूल पर मबनी ट्रेनिंग की जरूरत पर जोर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और हस्पानवी हम मनसब जोस मैनुअल अलवारी के दरमियान मैड्रिड में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक्तसादी शराकत दारी समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने और अक़वामे मुत्तहिदा की असलाहत समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर दोनों ममालिक के नुक्ते नज़र में मुबासलत और हम आहंगी खुशाइंद है। दोनों वज़राए खारजा ने रवां साल दो तरफा मुशावरत के पाँचवें दौर के जल्द इनेकाद पर इतफाक किया है। वजीर खारजा ने GSP+ के मामले पर यूरोपीय यूनियन में मुसलसल हिमायत पर हिस्पानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरा स्पेन के दौरान मैड्रिड में कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी के अरकान से दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा ने दो तरफा तआवुन को फरोग देने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादलों की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इलाकाई सूरतहाल का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत चुकाई है। इलाकाई सलामती के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरतहाल आलमी बरदरी की तवज्जो की मुतकाजी है। पाकिस्तान खत्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहां है। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम ने खत्ते के अमन को शदीद खतरात से दोचार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने स्पेन की पार्लियामेंट का दौरा भी किया और नाबीन कांग्रेस की सदर मार्शल बुतेइद से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से अफगान अवाम की मुआवनत के लिए ठोस इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। मार्शल बुतेइद ने अफगानिस्तान से हस्पानवी शहरियों के महफूज इनखला में भरपूर मदद करने पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। आगाह करेंगे आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियत के हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमे बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब। आपको बताएं कि अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आलमी कुव्वतों ने माली इमदाद ना की तो अफगानिस्तान में लोग कहत का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। अक़वामे मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में भूख अफलास और सेहत के मसाइल से निपटने के लिए $5 अरब का तखमीना लगाया है। इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दो दहाइयों से जंग के शिकार अफगान अवाम को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए $4 अरब 40 करोड़ की जरूरत है, जबकि पनाह लेने वाले लाखों अफगानों की मदद के लिए मजीद $62 करोड़ 30 लाख दरकार होंगे। अक़वामे मुत्तहिदा ने तारीख में पहली बार किसी एक मुल्क के लिए $5 अरब की खतीर रकम की अपील की है। अक़वामे मुत्तहिदा की अपील पर अमरीका ने अफगान अवाम के लिए $30 करोड़ 80 लाख देने का ऐलान किया है। ये रकम सेहत और खुराक के शोबों पर खर्च की जाएगी। अगस्त में तालिबान के इकतदार संभालने के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान के बैरून मुल्क असासों को मुंजमद कर दिया था, जिसकी वजह से मुल्क शदीद माली मसाइल से दोचार है और गुर्बत महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। आगे बढ़ें और अभी कुछ बात करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने दौरान हिरासत कश्मीरी नौजवानों के कत्ल में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा है कि फ़िरकावाराना तासुब और सियासी इंतकाम के तहत कश्मीरियों को कत्ल करना सफाक भारतीय फौजियों का मशगला बन चुका है। KMS के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कुलगाम शोपियाँ और श्रीनगर में शहीद होने वाले नौजवानों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बहादुर कश्मीरी आवाम शहीद नौजवानों
के मुकद्दस खून को कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। मकबूज़ आबादी में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरतहाल आलमी बरादरी की फौरी मदाखलत की मुतकाजी है, ताकि तनाज़ कश्मीर को अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से तहशुदा रायशुमारी के जरिए हल किया जा सके। हुर्रियत रहनुमाओं सैयद बशीर अंदराबी, ख्वाजा फिरदौस, फरीदा बहनजी और यास्मीन राजा ने अपने बयान में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए फलस्तीन में इसराइली मॉडल पर अमल पैरा है। उन्होंने भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में मुहासे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम की भी मजम्मत की। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि वो दफा 370 और 35 ए की बहाली और तनाज़ कश्मीर के हल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पुलिस की तरफ से कश्मीरी सहाफी सज्जाद गुल की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए तमाम कश्मीरी सहाफियों से इजहार यकजहती का ऐलान किया है। काउंसिल के रुकन प्रकाश दुबे ने नई दिल्ली में एक इंटरव्यू में कहा कि वो सज्जाद गुल के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करेंगे। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि आइंदा 8 हफ्ते में यूरोप की नस्फ से ज्यादा आबादी ओमिक्रॉन का शिकार हो जाएगी। कोपनहेगन में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए WHO के हुकाम ने कहा कि यूरोपीय खत्ते के 53 मुल्कों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 26 मुल्कों में हर हफ्ते आबादी का 1% कोरोना का शिकार हो रहा है। चीन के सूबे हन्नान के शहर एनयोंग में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत 50 लाख की आबादी के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। एनयोंग से पहले 2 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। जापान ने भी वायरस के फैलाव के मद्देनजर गैर मुल्कियों के दाखिले में आयद पाबंदी में तौसी कर दी है। हुक्काम के मुताबिक फरवरी के आखिर तक गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार रहेगी। भारत में ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए नई दिल्ली में नई पाबंदियां नाफिज की गई हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट्स और गैर जरूरी दफातर बंद रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने कोरोना एसओपीज़ की खिलाफवर्जी करने वालों को जेल भेजने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 43,540 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,467 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.33% रिकॉर्ड की गई, जबकि वबा से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें ओमिक्रॉन से निपटने के लिए महकमा सेहत के इंतजाम और हस्पतालों की इस्तेदाद का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि सूबे में ओमिक्रॉन के 22 मुस्बत केसेस की तशखीस हुई है, ताहम इनमें से कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं है। इजलास को मजीद बताया गया कि इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और सूबे भर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों और दीगर सहूलियात की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। हुकूमत रियासत मदीना के उसूलों पर अमल पैरा होते हुए फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशां हैं। तमाम पॉलिसियों का महवर मुआशरे के कमज़ोर तबकों की बहाली है। इस्लामाबाद में एहसास वन विंडो ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वज़रा ने कहा कि कोरोना के दौरान आलमी सतह पर एहसास प्रोग्राम और दीगर हुकूमती इकदाम को सराहा गया। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद सितारा मार्केट में एहसास विंडो ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम से फायदा हासिल करने वाले तबके की आसानी के लिए वन विंडो मरकज बनाया गया है। वन विंडो मरकज में बच्चों की तालीम, रोजगार, सेहत समेत हर पहलू नजर आएगा। वो लोग जो माशरे का हिस्सा है, जिनको मदद की जरूरत है रियासत की, चाहे वो उनकी सेहत से ताल्लुक रखता हो, उनके बच्चों की तालीम से ताल्लुक रखता हो, उनके रोजगार के लिए हो, उसका हर पहलू जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तालबे इल्म को बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। वज़ाइफ मिलते थे वसीला तालीम प्रोग्राम में, वो चंद महदूद लोगों को मिलते थे अब, और थोड़ी क्लासेस के लिए मिलते थे। अब वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम है और इससे बहुत तालीम की और ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम जो है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। सनअत पैदावार के वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि हमारी हकूमत ने एहसास प्रोग्राम के बजट में कसीर फंड्स रखे हैं। एहसास प्रोग्राम से कम आमदनी वाले तबके की माली इमदाद की जा रही है। दुनिया में कोविड की वजह से एक महंगाई का तूफान बरपा है और उसका सदेबाब करने के लिए राशन रियायत का प्रोग्राम किया गया, जिसके तहत 3700 यूटिलिटी स्टोर्स पर अब ये निज़ाम जारी है और इंशाल्लाह 1,120 अरब रुपए की लागत से ये जो ज़रूरी अशिया 3 हैं, इनकी कीमतों को कम करके कम आमदनी वाले हजरात को कम कीमतों पर वो मिलेंगी।
एहसास प्रोग्राम की सरबरा सानिया निश्तर ने कहा है कि मुल्क के 15 अजला में 50 एहसास सेंटर्स खोल चुके हैं। आइंदा चंद रोज में एहसास ऐप भी लॉन्च कर दी जाएगी। ये स्टंटिंग की रोकथाम का वो प्रोग्राम है जिसका वादा वजीर आजम ने अपनी पहली स्पीच में अवाम से किया था। ऐसे एहसास नशोनुमा सेंटर हम फिलहाल 50 खोल चुके हैं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसी माली साल में एहसास नशोनुमा मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा। एहसास वन विंडो मरकज की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खानसूरी और वजीर मुमलिकत इत्तला'आत फारूक हबीब ने भी शिरकत की। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और मरी और गिलियात में सड़कों से फिसलन के खात्मे और मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। बर्फ में फंसी गाड़ियों रेस्क्यू करके मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़ात को रोकने के लिए क़लीलमुद्दती और तवीलमुद्दती मनसूबाबंदी की जा रही है, और इस ज़मन में SOPs पर भी नज़रसानी की जा रही है। गवादर में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे कमेटियां बना दी गई हैं। फजाई और ज़मीनी रास्तों से मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और दूसरी इमदादी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तफसील बताएंगे वक्कार अहमद। तूफानी बारिशों से गवादर में 1 लाख के करीब लोग मुतासर हुए, 10,000 घरों को नुकसान पहुंचा और बरसाती नालों में तुगयानी से 50 दही इलाकों को मिलाने वाले 21 रोड्स डिस्कनेक्ट हुए। 13 रास्तों को बहाल कर दिया गया है। गवादर शहर के 80 से 90% रोड्स और रास्ते भी बहाल हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवादर के मुताबिक गवादर सिटी, पसनी सिटी, पेशुकान और सरबंदन से वाटर ड्रेनेज का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। लोगों के घर गिरे हुए हैं, बहुत सारे मकान टूटे हुए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द 1-2 दिन में उनका सर्वे शुरू कर देंगे। और डैमेजेस की और जो बाकी सर्वे है उसमें हमने टीम जो है ना तश्कील दे चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी नोटिफाई भी कर चुके हैं तखमीना लगा के उसका, ताकि गवर्नमेंट जो है ना उनको कंपनसेट कर ले। जेरी दश्त, सनस्टर और कोलांच वैली में आर्म फोर्सेज एविएशन विंग्स का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 5 मुतासर इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 13 परवासों के जरिए इमदादी सामान बारिश, बर्फबारी और सैलाब से मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया। गवादर पोर्ट होल्डिंग कंपनी और चीनी एम्बेसी की तरफ से भी मुतासरीन को इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है। बारिश से होने वाले नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए गवादर में सर्वे कमेटीज बना दी गई हैं। सर्वे मुकम्मल होने के बाद दुरुस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ जाएंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज, क्वेटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुलहुकूमत में मारगला नेशनल पार्क में कायम मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स को CDA की तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावजात केस की समाअत चीफ जस्टिस अतरमन अल्ला ने की। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और चेयरमैन CDA अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क के एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। ये ज़मीन वफाकी हुकूमत की है जहाँ से कोई घास भी नहीं काट सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि ला कानूनियत हो तो उसका फायदा सिर्फ अशराफिया को पहुंचता है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालती हुक्म के मुताबिक इंक्वायरी के हद तक नैब आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी के लिए एहतसाब अदालत से रुजू करना होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जान बहक शख्स के अतिया किए हुए अज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात के तआवुन से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर में 2 मरीजों को लगाए गए। तफसील बता रही हैं हुमा सदफ। UAE और PKLI लाहौर के माबैन मफाहमत की यादाश्त के तहत 1 गुर्दा और 1 जिगर PKLI को अतिया किया गया। दुबई में हादसे का शिकार होकर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने वाले 22 साला पाकिस्तानी नौजवान के वालदैन ने बच्चे के 2 गुर्दे और जिगर अतिया किए थे, जिनमें से 1 गुर्दा दुबई में मरीज को लगाया गया, जबकि 1 गुर्दा और जिगर PKLI लाहौर में मरीजों के सैंपल से मैच होने के बाद UAE हुकूमत ने खुद अखराजात अदा करके लाहौर पहुँचाए। पंजाब की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद ने मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली टीम का इस्तकबाल किया। PKLI की किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट टीमों ने कामयाबी से दोनों सर्जरीज मुकम्मल करके 2 मरीजों को नई जिंदगी की तरफ गामजन किया। दोनों मरीज सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। आपने एक जान बचाई, कोया इंसानियत बचाई, इससे बड़ा और कोई एग्जांपल इंसानियत का नहीं। इस अमल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान दोनों की 20 से ज़ायद टीमों ने दिन रात काम किया।
ताकि मरहूम अतिया दहिंदा और वसूल करिंदगान के दरमियान ऑर्गन मैचिंग, ऑपरेशन के लिए तैयारी, गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी की टीमें मुकर्रर वक्त पर अपना काम कर सकें और आजा को बेकार होने से पहले पेवंदकारी की जा सके। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यूएई की हुकूमत और मरने वाले के अहले खाना को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम सब 22 साल नौजवान और उसके ख़ानदान को सलाम पेश करते हैं जिनकी वजह से 3 जानें बच सकीं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में टेक्नोलॉजी का फरोग अहम किरदार अदा करता है। इस्लामाबाद में साइंस और टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा दौर में मईशत की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ शोबों की तरक्की अहम है। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में भी काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की जा सकती है। वज़ीर आला महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा में खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतालिक माहाना बुनियाद पर रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की है। पेशावर में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर सरकारी नरखनामे पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाए। इजलास को बताया गया कि सूबे में गंदम का वाफर ज़खीरा मौजूद है। फ्लोर मिलों को रोजाना की बुनियाद पर 7,000 मेट्रिक टन सरकारी गंदम रिलीज की जा रही है। लाहौर में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में होने वाले इजलास में ठोकर नियाज़ बेग से जल्लो तक कैनाल रोड पर ट्राम चलाने के मंसूबे की फिजिबिलिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में अरबों रुपये के फलाही मंसूबों की तकमील से शहरियों को हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि फ़ैरोज़पुर रोड पर 1,000 बेड का जनरल हस्पताल बनाएंगे। नया हस्पताल अरफा करीम टेक्नोलॉजी टावर के करीब LDA की 124 कनाल अराजी पर बनाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो कहते हैं सूबे के मौक़िफ़ को आइंदा होने वाले मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास में भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। क्वेटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान की सदारत में इजलास हुआ जिसमें तय पाया कि बलोचिस्तान गैस अदम फराहमी, LPG प्लांट तनसीब मनसूबे में तातुल के मामले और आइंदा इलेक्शन से पहले मरदम शुमारी और हल्का बंदियों के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। मुश्तरका मफादात कौंसल इजलास एजेंडे पर ब्रीफिंग भी दी गई। यहाँ आपको बताएं वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की सदारत में काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। काबीना ने वज़ीर आज़म के खसूसी इकदामात के तहत काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेक्टेड एरियाज सर्विस के क़याम की भी मंजूरी दी है। काबीना ने मफाद आमा को मद्देनजर रखते हुए महकमे तामीरात के रेट्स को रिवाइज करने का भी फैसला किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि PWD के रेट्स रिवाइज ना होने से तरक्याती मनसूबों के मैार और रफ्तार को यकीनी बनाने के हवाले से मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से प्रोटेक्टेड एरिया सर्विस के लिए मजीद 5,000 आसामियों की तख्लीक की सिफारिश की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शिजात हुसैन ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। मुल्की तरक्की और खुशहाली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार काबिल सताइश है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन मुल्की तरक्की है और मुल्क के उलझे हुए मामलात को दुरुस्त करना है जिनमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। तकरीब में चौधरी वजात हुसैन, कौमी असम्बली के रुकन हुसैन इलाही यावर चौधरी, शाफे हुसैन भी मौजूद थे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 11वीं मश्क बाराकोटा के आगाज पर उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में प्रोमो जारी किया है। 2 मिनट दौरानिए की वीडियोस में पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से समंदर को हर किस्म की आलूदगी से पाक करने के अज़्म और खिदमात को शानदार अंदाज में पेश किया गया है। समंदर जीस्त की बुनियाद, तरक्की का जामिन और अपनी वसत और गहराई में अनमोल खजीने समेटे कायनात के तवाफ में हर लम्हा रवा दवा है। अक्वामे आलम की तरक्की इसी अहम सतून पर मुनहसिर है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के समंदर की लहरों पर तैरते किले ना सिर्फ इस बहरे बेकरा की सरहदों के मुहाफिज है बल्कि समंदर की गहराई और नीलगू चादर को हर तरह के दाग से महफूज रखने के लिए भी पुरअज़म और तैयार है। फिर चाहे तेल की जया से होने वाली तबाहकारियां हों,
इसके असरात से मुतासरा इंसान या फिर समंदर की आगोश में पलने वाली आबी हयात, इनका तहफ्फुज पाक पहरिया और PMSA की अव्वलीन तरजीह है। इस सिलसिले में PMSA का किरदार काबिले सताइश है और 2007 से मुनक्किद होने वाली मश्क बैराकूडा इसकी रोशन दलील है। इस सिलसिले की 11वीं मश्क का इनेकाद 11 से 13 जनवरी 2022 में होगा, जिसमें PMSA के साथ कई ममालिक भी हिस्सा लेंगे और दुनिया को ये पावर कराएंगे कि समंदर की जीनत इसकी पाकीजगी, सफाई और इसके वसाइल के तहफ्फुज में है। समंदर से उठती लहरें इस वक्त चैन का सांस लेती हैं, जब इन्हें ये अदराक हो कि बैराकूडा महज मश्क ही नहीं बल्कि एक बादबान की मानिंद इन पर साया फगुन है। जहाजों से बह जाने वाला तेल हो या किसी की हिफाजत का बेड़ा या बचाव की कोई तदबीर, PMSA समंदरों को दर्स देती दिखाई देती है। है तुझे खबर कि तेरी हर लहर मेरे साथ है, मेरे जहन पर मुझे पाएगा तू हर बाम पर तूफान, कोई तो गवाह तू कर। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर मामलकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं कि ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत 11वीं बैराकूडा मश्क के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मामलकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान के साहिल पर 300% ज़ायद टिम्बर के पौधे लगाए गए हैं। जरताज गुल ने कहा कि गजानी शिप ब्रेकिंग से ज्यादातर तेल कारसाओ समंदर में फेंका जाता है, जबकि कराची का अनट्रीटेड फजला और प्लास्टिक कचरा भी समंदर में ही फेंक देने की वजह से आबी आलूदगी में इजाफा हो रहा है। तंजानिया की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल माइकल ममान बेंजी ममांगा ने कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल PMSA रियर एडमिरल मिर्जा फवाद अमीन बेग से मुलाकात की। मुलाकात में बहरी सिक्योरिटी इस्तेहकाम और बाहमी तआवुन के मामलात ज़ेरे बहस आए। डायरेक्टर जनरल PMSA ने खत्ते में बहरी सिक्योरिटी और अमन के लिए PMSA की खदमात पर रोशनी डाली। दोनों सरबराहान ने मुख्तलिफ दिफाई मामलात में बाहमी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय का इजहार किया। जापानी सफारतखाने की जानिब से पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जापानी गुड़ियों की नुमाइश का अहतमाम किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ अकसाम की गुड़ियाँ रखी गई हैं, जिसका मकसद जापान के सकाफती रंगों के साथ साथ जापानी हुनरमंदों की सलाहियत को भी उजागर करना है। अवाम की बड़ी तादाद ने नुमाइश देखी और जापानी फनकारों के हुनर को सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी अंदलीब अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात इंतहाई अहम है। हुकूमत जापान की मुआशी तरक्की से इस्तफादा करना चाहती है। के सफीर ने कहा कि जापानी सकाफत में सदियों से गुड़ियों की अहमियत है। इस्लामाबाद में गुड़ियों की नुमाइश का मकसद अवाम को जापानी गुड़ियों की अहमियत से रूशनास कराना है। और नाज़रीन, इब्ने इंशा का शुमार उर्दू के उन मायानाज कलमकारों में होता है जिन्होंने नज्म और नसर दोनों में ही अपने फन के झंडे गाड़े। एक जानिब वो उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे तो दूसरी जानिब वो मजाह निगारी में भी अपना सानी ना रखते थे। इब्न इंशा के 44वें यौम वफात पर रिपोर्ट कर रहे हैं वक्कार हैदर। कल 14 की रात थे, शब भर रहा चर्चा तेरा। इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। इब्न इंशा का पहला मजमूआ कलाम चांद नगर था और बाद में उस बस्ती के एक कूचे में और दिले वैशी भी शाया हुए। उनके मिजाह पारों और सफ़रनामों पर मुश्तमिल कुतब आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में, चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर को करीन ने बेहद पसंद किया। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। मिजाज ऐसा कि पढ़ने और सुनने वाले हंसी से लोट पोट हो जाएं और शेरों में ऐसी हसासियत कि आंखें बेख्तियार छलक उठें। उनकी एक गजल, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, बहुत मशहूर हुई। जो लगता था बतौर शायर और बतौर मिजाह निगार इब्ने इंशा ने अलग अलग जिंदगी जी। मिजाह निगारी के मैदान में कदम रखा तो उस वक्त के माशर्ती और सियासी हालात पर काटदार मजामीन लिखे।
शेर कहने के लिए कलम उठाया तो खूबसूरत लफ्जों से एक नया जहान आबाद कर दिया। दुनिया के कई मुल्कों और शहरों की सैर की और अपने सफर को इस अंदाज से बयान किया कि कारी खुद को उनका हम सफर ख्याल करता है। चांद नगर का ये बासी दिल जीतने का माहिर था, लेकिन सिर्फ 51 बरस की उम्र में सरतान के हाथों हार गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमेरियव तोकायेव का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से हालात मुस्तहकम हो गए हैं। अमन फौज का 2 दिन के बाद इनखिला शुरू हो जाएगा जो 10 दिन में मुकम्मल होगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम दारुल हुकूमत अलमाते पर मुकम्मल कंट्रोल खोने के दहाने पर थे, अगर ऐसा होता तो फिर पूरा मुल्क खो देते। ईरान ने एटमी मसले पर आलमी ताकतों के साथ वियना में होने वाले मुज़ाकरात के 7वें दौर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। तेहरान में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद खतीब ज़ादा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम बातचीत से मसले का हल चाहते हैं, लेकिन ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। खबर देंगे आपको सऊदीया से। कोरोना वबा के दौरान मक्का मुकर्रमा में हरमैन शरीफैन के इंतजामिया ने रोबोट के जरिए आब जमजम की बोतलों की तकसीम का काम शुरू करवाया है। इंतजामिया ने कहा है कि स्मार्ट रोबोट टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस के माहौल में बेहद अहम और महफूज तरीक़ाकार है। इंसानी मुआवनत के बगैर आब जमजम की तकसीम की बदौलत कारकुनान भी वायरस से महफूज रहते हैं और ज़ायरीन को भी तहफ़ हासिल रहता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद और खिताए पोठोहार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का इम्कान है।